ये बहुत ही मजेदार मुकाबला आप लोगों के बीच में रन देगा कदम घर बदन कठीला हल्की दाढ़ी में नीले रंग की जांघिया में ये है बाबा रविशंकर दास पहलवान हनुमान गढ़ी अयोध्या अनाथालय इनके आश्रम में मतलब 35 से 40 बच्चे रह करके पहलवानी करते हैं। अगर इस क्षेत्र का कोई गरीब बच्चा जाकर के वहां रहना चाहता है तो रह करके पहलवानी कर सकता है। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, जाकर के वहां पर रह सकता और बिना निशुल्क कोई सेवा नहीं है। आप लोग खाली वहां जाकर के रह सकते, कोई घर से मतलब नहीं है। और इन्हीं के सवाल के जवाब में नए जमाने की नई फसल उभरता हुआ सितारा मोहम्मद गनी पहलवान घर तो कबीर शरीफ में है लेकिन इनका कहना है मैं पूरे ऑल इंडिया विदेशों में भी लेने गया लेकिन जितना सम्मान मुझे डुमरियागंज की धरती से मिला है उतना सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए मैं डुमरियागंज के नाम से लेने में जा रहा हूं। ये हमारे गली पहलवान डुमरियागंज कोई गाना लगा दीजिए। गली पहलवान का कहना है कि कोई गाना लगा दीजिए अच्छा सा और कुश्ती देखिएगा आप लोग बहुत ही लाजवाब मुकाबला आप लोगों के बीच में होने जा रहा है। अच्छा भैया एक मिनट एक मिनट पंडित जी खाली तैयारी एक मिनट कुश्ती रोक दीजिए
कितने इनाम है तुम्हारी तरफ से बताओ, लड़ूंगा इनाम है सर। ऐसे ऐसे चुतिया पहलवान बुलाते हैं मेरे साथ, छोड़ो मेरी तरफ। हेलो एक बार भी खाकर देते हैं थोड़ा सा पीछे अपने हाथ में जो मुकाबले में दिक्कत हो रही है भैया, दिक्कत हो रही है थोड़ा पीछे हो जाए जा सकते हैं। भाई नवाब भाई सब पीछे नीचे उतर गए क्योंकि निकालने में दिक्कत हो रही है। Come on!